सिरमौर जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल ने संगठा में लिया कोविड वैक्सीनेशन प्रोसेस का जायजा। क्षेत्रवासियों से ज्यादा संख्या में कोविड वैक्सीनेशन तथा टेस्टिंग करवाने का किया आग्रह। स्वास्थ्य खंड सगड़ा के कत्ताधार में आज 150 लोगों द्वारा लगाई गई कोविड वैक्सीन। सिरमौर जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल द्वारा सोमवार को उपमंडल मुख्यालय सगड़ा में कोविड वैक्सीनेशन प्रोसेस का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने इलाके के लोगों से ज्यादा संख्या में कोविड वैक्सीनेशन तथा टेस्टिंग करवाने की भी अपील की। वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण के बाद सीमा कन्याल द्वारा सगड़ा अस्पताल में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया तथा इस दौरान उनके साथ पंचायत समिति सगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा, पूर्व विधायक रूप सिंह तथा भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रताप तोमर आदि भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि उपमंडल मुख्यालय पर मौजूद सीएससी सगड़ा में जहां पिछले 4 माह से 108 एम्बुलेंस नहीं है, वहीं कोरोना काल में केवल 2 डॉक्टर, 1 फार्मासिस्ट तथा 3 नर्सिस के सहारे यह अस्पताल चल रहा है। जिला के अन्य ग्रामीण इलाकों की तरह स्वास्थ्य खंड सगड़ा में भी 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए बिना पहले रजिस्ट्रेशन अथवा स्लॉट बुक करवाए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उपमंडल मुख्यालय पर मौजूद सगड़ा अस्पताल में जहां वैक्सीनेशन करवाने वाले 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है, वहीं स्वास्थ्य खंड की पीएससी गत्ताधार में आज 150 तथा सताहन गाँव में 137 युवाओं द्वारा कोविड वैक्सीनेशन करवाया गया। उस स्थान पर लोगों को वैक्सीनेट कर रही स्वास्थ्य कर्मी कमला शर्मा द्वारा जानकारी के मुताबिक अब तक 2500 से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पंचायत समिति सगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा तथा पूर्व विधायक रूप सिंह ने कहा कि क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा लगातार लोगों को कोविड वैक्सीनेशन, सैंपलिंग, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। भाजपा द्वारा सगड़ा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विभिन्न संगठनों के सहयोग से की गई योग क्रियाएं। भाजपा मंडल इकाई द्वारा सोमवार को उपमंडल मुख्यालय सगड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न संगठनों से जुड़े 2 दर्जन के करीब लोगों के साथ योग क्रियाएं की गई। योग दिवस कार्यक्रम में मौजूद पूर्व विधायक रूप सिंह, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रताप तोमर, सुनील शर्मा, बलबीर ठाकुर, जगत सिंह तथा चेत सिंह आदि भाजपा रेणुकाजी मंडल पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाना भारत के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों के साथ विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया।